उमरिया जिले के आबकारी अधिकारी को रीवा लोकायुक्त ने 1,20,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त रीवा ने मंगलवार शाम को ये कार्रवाई की है। आबकारी अधिकारी रेनू गुप्ता ने मानपुर के ठेकेदार ऋषि सिंह से नई शराब दुकान खोलने के लिए रुपए की मांग की थी। ठेकेदार ऋषि सिंह के कर्मचारी नीपेंद्र सिंह की शिकायत पर लोकायुक्त ने यह कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार शराब का ठेका खुलवाने को लेकर आबकारी अधिकारी रेनू गुप्ता ने रुपए की मांग की थी। सौदे के अनुसार मंगलवार को ठेकेदार ऋषि 1,20,000 रुपये लेकर कलेक्ट्रेट स्थित जिला आबकारी कार्यालय पहुंचा। इसी दौरान रीवा लोकायुक्त मौके पर पहुंची और अधिकारी को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद लोकायुक्त की टीम ने जिला आबकारी अधिकारी को रेस्ट हाउस ले जाया गया और जहां आगे की कार्रवाई की गई। और यह भी कहा जा रहा है कि आबकारी अधिकारी VIP ड्यूटी के नाम पर शराब के ठेकेदार से रकम वसूली की जाती थी। ये दुकान के हिसाब से रेट कैसे मतलब दोनों करते हैं कि अब ये मैडम ही देते हैं हमको तो 30,000 40,000 40 बोला गया था। आपकी दुकान कहाँ पर? मैं बिंदा दुकान में संचालन करता हूँ। क्या नाम, किसके नाम पे है दुकान? अनिश सिंह बघेल के नाम से है। मैं उस दुकान की पूरा देख रहे हमें संचालन करता हूँ। इसमें किन धाराओं के कार्रवाई होगी? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। कहना ये है कि राशि चूंकि बड़ी है तो इसमें कोई बड़ी कार्रवाई होगी क्या? नहीं, कार्रवाई तो जो है वो बड़ी है, जो बनती है ऑलरेडी बड़ी होती है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कार्रवाई वो की जा रही है। तो क्या राशि के आधार पर, क्या जमानत का क्या है, वो प्रकरण में आए तथ्यों के हिसाब से कार्रवाई अग्रिम की जाएगी। तो अभी जमानत में छोड़ देंगे, अभी देखते हैं कार्रवाई में क्या आता है।